दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के मारे बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक की आई एम डी बी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्ज़न भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टीवी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास बीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिल्म जो है हमें शायद जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसकी टी वी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैन से इनके सौ मिलियन कम्पलीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फ़िल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदरसी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का कास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदरसी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डेली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वी वी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्याकर कौशिक महाता राजेंद्र वैनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतने देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर हेट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है ये आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरम फॉर इसकी कहानी जो है वो हॉर और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवाहिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मेथ थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सर्वनन होता है और वह अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैंपलेट है इनके मामले में कुछ ख़ास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मास खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कोवे सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है अरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक की आईएमडीबी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फिल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टीवी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास बीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिलीम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैं से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैन सेन के सौ मिलियन कम्प्लीट हुए है, तो वहाँ पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म की लिडकास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वी वी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वैनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतने देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चल चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है ये आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरम फॉर इसकी कहानी जो है वो हॉर और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवाहिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मेथ थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वह अपने मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों की किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टेम्पलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाग से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और हॉरल कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बना बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे, आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरल्ला है इनकी करकश आवाज इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मजा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता पाओ जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के मारे बारे में जिसका नाम है अरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिल्म जो है हमें शायद जी सिनेमा के टी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कंप्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदरसी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गज़ब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लिडकाफ्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुडा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर ठी फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टीवी पर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मने फोर इसकी कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मणि थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वह अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबुरी चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना ऐसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने हैं इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और हॉर कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छा अच्छाई बना बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाऊ थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरल्ला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फिल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिलीम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का कास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हेट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन फॉर इसकी कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैंपलेट है इनके मामल में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालाँकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाऊ थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कोवे सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच है अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालाँकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स रे फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिल्म जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टी वी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदरसी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लिडकास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदरसी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चल नहीं थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हो गए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन की कहानी जो है वो हॉरर और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छा ही बना बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबा थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबल सरल्ला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मजा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाओ जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई एम डी बी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर ये आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स रे फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिल्म जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए तो वहाँ पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदरसी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गज़ब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का हफ्टे में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदरसी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वैनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतने देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि य फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन इसकी कहानी जो है वो हॉरर और कॉमेडी ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मने थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोब्रुज चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ ख़ास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाग से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छा ही बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाऊ थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कोवे सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी जरूर पहुँचाऊंगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मजा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाओ जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी वी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जीओ सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिल्म जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्पलीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लडकास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतने देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि य फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चल नहीं थी तो ये फिल्म हिंदी में ही ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन की कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मने थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ ख़ास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाग से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबा थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊंगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आईएमडीबी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी वी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिलीम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़काफ्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी आले कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चल नहीं थी तो ये फिल्म हिंदी में ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरण मन की कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने हैं इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाग से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालाँकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाऊ थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कोवे सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मजा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है अरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आईएमडीबी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फिल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स रे फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसे बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों प्रेम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लिडकाफ्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि हालाँकि फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हेट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरण मन इसकी कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैंपलेट है इनके मामल में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालाँकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कोवे सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच है अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है अरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालाँकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स रे फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों प्रेम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टी वी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदरसी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लिडकास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदरसी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हो गए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन फॉरिस की कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ ख़ास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और हॉरल कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छा अच्छाई बना बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरला है इनकी करकश आवाज इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी जरूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के मारे बारे में जिसका नाम है अरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक की आई एम डी बी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्ज़न भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टीवी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास बीमा के राइट्स रे फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों प्रेम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैन से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए है, तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदरसी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का हफ्टे में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदरसी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डेली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वी वी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरमण फॉर इसकी कहानी जो है वो हॉर और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवाहिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मनो थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों की किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैंपलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और हॉरर कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छा बनम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे, आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कोवे सरला है इनकी कर्कश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मजा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाओ जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के मारे बारे में जिसका नाम है अरान मनाई फोर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक की आई एम डी बी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज़नी प्लस ऑफ्टेयर पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टवर पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्ज़न भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टीवी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास बीमा के राइट्स थे फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चली गई तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिल्म जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड इनके सौ मिलियन कंप्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गज़ब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है खैर तो आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लिडकास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतने देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिठी फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्द टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरण मन फार कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मणि थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वह अपने मौसी यानी कि सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोवरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना ऐसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने हैं इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैंपलेट है इनके मामले में कुछ ख़ास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाग से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और हॉरल कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छा अच्छाई बना बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊंगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी वी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास बीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिलीम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैन से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैन से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन की कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मने थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने हैं इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैंपलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाग से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाऊ थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरल्ला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आईएमडीबी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फिल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास बीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिलीम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का हफ्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा दिल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरण मन इसकी कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवै सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैंपलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कोवे सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है को हँसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच है अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ही हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालाँकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स रे फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों प्रेम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टी वी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए है तो वहाँ पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लिडकास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वैनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हेट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हो गए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन फॉरिस की कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छा ही बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ अपनी फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालाँकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबा थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबल सरल्ला है इनकी करकश आवाज इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मजा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई एम डी बी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फ़िल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिज़नी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टीवी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो T3 थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास बीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिल्म जो है हमें शायद जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फिल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदरसी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गज़ब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का हफ्टे में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदरसी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी टी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्रन वैनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि हालाँकि फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन इसकी कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेसी है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मने थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना ऐसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों की किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ ख़ास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और हॉर कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे, आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरला है इनकी करकश आवाज इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ही हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर YouTube पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई एम डी बी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी वी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जीओ सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिल्म जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्पलीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का हफ्टे में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदरसी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन करायकर कौशिक महाता राजेंद्रन वैनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतने देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि य फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन की कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मण थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरुज चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ ख़ास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाग से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालाँकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराने चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊंगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फ़िल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी वी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास बीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों फिलीम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैन से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैन से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लड़का हफ्टे में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी आले वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन की कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने हैं इन तीनों की किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैम्पलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाग से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाऊ थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कोवे सरला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आईएमडीबी रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फिल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिलेंगी हालांकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स थे और फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसे बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों प्रेम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टीवी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्प्लीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदरसी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लिडकास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा दिल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरण मन फार कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि कोवा सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सरवन जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टैंपलेट है इनके मामले में कुछ खास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है और, और कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छाई बनाम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालाँकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाऊ थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरल्ला है इनकी करकश आवाज़ इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू बी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो ज़ाहिर सी बात है को हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच है अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ही हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है और मैं आज आपको ऐसी ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से बहुत लोग इसे हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिल्म के बारे में सब कुछ बता पाऊँ, जैसे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है कहाँ पर आपको ये मिलेंगी कौन से ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये कब आएंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा साथ ही में ये कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएंगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में जिसका नाम है आरान मनाई फॉर हालांकि ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है इससे पहले भी तीन पार्ट आ चुके हैं जो कि बढ़िया रहे थे बॉक्स ऑफिस के ऊपर और इनका ये वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं जो कि सौ करोड़ पार चला गया है और इसकी जो अभी तक तो की आई रेटिंग है वो टैन आउट ऑफ फाइव पॉइंट टू की है जो कि एक अच्छी रेटिंग आप कह सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फिल्म है वो क्या हिंदी में अवेलेबल है तो जी हाँ दोस्तों ये मूवी हिंदी में तो है लेकिन ऑफिशियल अभी तक इसे हिंदी में यूट्यूब पे रिलीज नहीं करवाया गया है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर यह आपको मिल जाएंगी आप इस कमाल की फ़िल्म को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं वहाँ पर ये मूवी आपको इंग्लिश सब में मिलेंगी हालाँकि इस मूवी का एक और वर्जन भी आया था जो कि अनऑफिशियल था पहले यूट्यूब पर था लेकिन हट चुका है तो वो आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक अच्छी न्यूज़ है कि ये मूवी काफ़ी जल्दी आपको टी पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके राइट्स दोस्तों जो है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के पास है जिनके पास भीमा के राइट्स रे फिर बाद में जी के पास चले गए और ऐसी बहुत सी मूवी जिनके राइट्स उनके पास थे कुछ मूवी जियो सिनेमा के पास चले गए तो यहाँ पर ये भी दोस्तों प्रेम जो है हमें शायद जी सिनेमा के टीवी चैनल के पर देखने को मिल सकती है या फिर इसका डायरेक्ट प्रीमियर हो सकता है सीधा ही मतलब जियो सिनेमा पर या अगर जो गोल्ड मैंड से जिन्होंने पहले पार्ट इसके लिए थे वो भी इसके टी वी राइट्स ले सकता है लेकिन क्या अभी इसके राइट्स किसके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आज ही जो गोल्ड मैंड से इनके सौ मिलियन कम्पलीट हुए हैं तो वहाँ पर भी इस फ़िल्म का कोई जिक्र नहीं था तो अभी तो बता पाना मुश्किल है लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी इसके बारे में कुछ अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वैसे तो फिल्म मैंने देख ली है बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये फिल्म है और जो तीसरा पार्ट था उसके मुकाबले इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है और यहाँ पर एक बार फिर से सुंदर सी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा जो कि गजब का है और इसके जो कुल रेटिंग मिलाकर है वो लगभग एवरेज आई है लगभग आधे लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि मूवी बढ़िया है तो खैर आप इस मूवी को देखिए आपको कैसे लगती है फिर आप कमेंट करें फिल्म के लिडकास्ट में आपको इस बार राशि खन्ना तमन्ना भाटिया सुंदर सी संतोष प्रताप गरुड़ा राम देवानंदा डल्ली गणेश कोवै सराला योगी बाबू वीटीवी गणेश लोलू सभा सेसु सिंगम पुली यतिन कर्यायकर कौशिक महाता राजेंद्र वेनला किशोर के एस रवि कुमार ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इस बार एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत भूतनी देखने को मिलेंगी हालांकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिल्म के अंदर वो भूत के रोल में है तो थोड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये फिल्म दोस्तों हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हुई थी और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लेकिन क्या था कि हिंदी के अंदर ये कुछ खास नहीं चली जितना तमिल के अंदर चली थी क्योंकि ये तमिल फिल्म है तो वहाँ पर ज़्यादा चलनी थी तो ये फिल्म हिंदी में नहीं ज़्यादा नहीं चली है लेकिन हाँ ये मूवी तमिल के अंदर काफ़ी बढ़िया रही है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर हेट फिल्म दोस्तों साबित हो चुकी है यह आपको काफ़ी जल्दी टी पर देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस फिल्म को दोस्तों आए हो गए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो अरन मन फॉरिस की कहानी जो है वो हॉरर और, और कॉमेडी बेस ही है और बच्चों के लिए मस्ती के पलों का मिश्रण भी दोस्तों है जो कि पारिवारिक दृश्य को दिखाता है और आकर्षित करता है ये देखते हुए कि यह गर्मियों में रिलीज़ होगी लेकिन पारिवाहिक दर्शकों को ये जो है वो अरन मन थ्री की तरह ही पसंद आ सकती है अब शुरुआत के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि सुंदर सी जो कि एक वकील रहता है इनका नाम सरवनन होता है और वे अपनी मौसी यानी कि सरला के साथ रहता है और एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी जो भागी हुई बहन है जो कि बहुत टाइम पहले से घर से निकल चुकी थी जिनका नाम सैलवी है यानी कि तमन्ना भाटिया वे अपने पति की मौत के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी बहन सैलवी को खोने के गम में मना रहा सर्वनंद जो होता है वो अपनी बहन के बच्चों के देखभाल करने के लिए कोबरू चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उनके जो मतलब बच्चे रहे होंगे इनका कोई है नहीं तो संभालना इसे ही पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो फिर आगे, आगे आप देखते हैं कि जो अरण मने है इन तीनों के किस्से देखी होगी तो कहानी और जो टेम्पलेट है इनके मामले में कुछ ख़ास नया यहाँ पर नहीं है इसके अंदर भी आपको हमें जो है वो बाघ से मिलवाया जाता है जो कि एक मांस खाने वाली और एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है हॉरल कॉमेडी भी यहाँ पर है अच्छा अच्छाई बनम बुराई भी है और इसी फार्मूले के साथ ही फिल्म आगे बढ़ती है और हम दो आत्माओं को अलग अलग कारणों से लड़ते हुए देखते हैं हालांकि दोस्तों आत्मा भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ साइंस के नज़र में नहीं होती है ये बस आंखों का भ्रम या फिर किसी और के साथ या फिर किसी और ने आपको बताई हुई कहानी होती है अगर आपको ये बता देता है कि भाई उस जगह पर भूत होता है आत्मा है वहाँ पर आत्मा देखी गई है और किसी दिन आप अगर वहाँ पर अकेले जाते हैं तो आपको भी वो महसूस होने लगता है क्योंकि आपने कहानी सुनी है या फिर आपको किसी ने बताया है तो इस तरह से सब कुछ चलता आता है तो अगर आप इसको जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा लेकिन हाँ फिर भी हम मूवीज़ तो ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ऐसी मूवीज़ देखने में मज़ा बहुत आता है अब बात करते हैं आगे तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जो पहला भाग देखते हैं तो उबाव थोड़ा लगता है लेकिन आगे जब कहानी बढ़ती है तो इसके अंदर ट्विस्ट आने लगते हैं और कॉमेडी भी बढ़ती है और जो कुबेल सरला है इनकी करकश आवाज इसे और भी बेहतर बनाती है जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि योगी बाबू वी टी गणेश मोटा राजेंद्रन और भी कुछ कॉमेडी अभिनेता यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि वो हंसी लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पुराना चुटकुले अच्छे से ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर करते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या हो सकता है क्या कहानी हो सकती है आप थोड़ा कुछ मतलब सोच सकते हैं इस फिल्म के बारे में तो हालांकि यही दोस्तों सच से अभी तक इसे ऑफिशियल हिंदी में रिलीज़ नहीं कराया है बहुत जल्द ये हिंदी में आने वाली है तो मैं आप सभी तक जानकारी जरूर पहुँचाऊँगा आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो